हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो मिंट में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अगर आप बजीरेक्स पर बिटकॉइन या किसी भी अदर क्रिप्टो करेंसी को बाय या सेल करना चाहते हो तो आप किस तरीके से करोगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप बजीरेक्स पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप अपने बजीरेक्स के अकाउंट पर आओगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपके लिए कई सारे पेयर दिखाई दे रहे होंगे। ये INR पेयर है, यानी अगर आप इंडियन रुपी के पेयर में ट्रेड करना चाहते हो तो आप INR पेयर को यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हम USDT के पेयर में ट्रेड करें, USDT को पे करके किसी भी क्रिप्टो करेंसी को क्या करोगे बाय, तो आप क्या करोगे USDT के पेयर पर क्लिक करोगे। और अगर आपकी होल्डिंग में WRX यानी बजीरेक्स का टोकन है तो आप WRX के पेयर में भी ट्रेड कर सकते हो। जो आपके पास WRX होल्डिंग में होगा उस WRX को आप पे करोगे, और जिस भी क्रिप्टो करेंसी को आप बाय करोगे WRX को पे करके आप उस क्रिप्टो करेंसी को क्या कर सकते हो बाय। तो इनको बोलते हैं अलग अलग डिफरेंट पेयर। ये INR का पेयर है और इसके डिफरेंट में है USDT का पेयर, और आपके लिए यहाँ पर दिखेगा WRX का पेयर। और अगर आप BTC के पेयर में भी ट्रेड करना चाहते हो तो इसके बाद BTC का पेयर भी आता है, वहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप ट्रेड कब कर पाओगे, जब आपके पास BTC होल्डिंग में होनी चाहिए और आप BTC को पे करोगे और किसी अदर क्रिप्टो करेंसी को क्या करोगे बाय। BTC का मतलब है बिटकॉइन। यहाँ तो आपके लिए कई सारे क्या दिखेंगे पेयर्स। और आप फंड्स वाले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पर आपका जो टोटल फंड होगा, जो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, अकाउंट की टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर आपके रुपए दिखेंगे और जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो क्रिप्टो करेंसी आप यहाँ पे दिखेंगे, यानी किस किस कॉइन में आपने कितना कितने रुपए इन्वेस्ट कर रखी हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो हम चलते हैं एक्सचेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और INR के पेयर में ही हम एक क्रिप्टो करेंसी को बाय करेंगे और उसी क्रिप्टो करेंसी को सेल करके देखेंगे। तो हम एक क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम बाय करते हैं WRX को। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्रिप्टो करेंसी को बाय करेंगे और कैसे सेल करेंगे। तो हम WRX के इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ओपन होगा उसका चार्ट। यहाँ पर ये लोड हो रहा है, ये देखो यहाँ पर ये चार्ट ओपन हो गया। ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का, आप यहाँ पर देख सकते हो जो टाइम फ्रेम है वो है, मैं आपको दिखाऊं डेली, यानी जो एक कैंडल है वो एक पूरे दिन की है। यहाँ पर जो एक कैंडल है वो एक दिन की है। अगर आप इससे छोटा टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हो तो आप उसको भी डेली टाइम फ्रेम पे क्लिक करके छोटा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाऊं, जैसे यहाँ पर उसी पे क्लिक किया, डेली की जगह मैं करता हूँ इसको 4 घंटे की एक कैंडल को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये किस तरीके से पंप हुआ, उसके बाद उसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। अब हमारे लिए क्या करना है, इसमें बाय करना है। तो हम जी आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, मैं दिखाऊँ यहाँ पर बाय एंड सेल का, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लिखा होगा लिमिट, यानी लिमिट प्राइस। अभी जो इसकी प्राइस चल रही है WRX की, वो चल रही है 76 रुपये 36 पैसे। अगर आप चाहते हो कि जब भी WRX का जो प्राइस है 76 रुपये आए तब मैं इसको बाय करूँ, या 75 रुपये आए या 70 रुपये, जितने भी रुपए पर आपके लिए इस टोकन को बाय करना है उस प्राइस को आप यहाँ पर डाल देते हो। तो मैं अभी इंस्टेंट बाय करना है हमारे लिए, तो इसकी जो प्रेजेंट प्राइस चल रही है हम उसी प्राइस को हम कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर 76 रुपये 36 पैसे की जगह हम डाल देते हैं 37 पैसे। तो यानी जैसे ही हम इसको बाय पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर जाएगा मार्केट में और इंस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा बाय। अब यहाँ पर आपके लिए वो देखेगा आपका जितना भी टोटल अमाउंट है जो किसके बजीरेक्स के अकाउंट में पड़ा हुआ है उसके आपको कितने परसेंट से इस टोकन को बाय करना है। अगर आप 25% से बाय करना चाहते हो तो 25% पे क्लिक करोगे तो आपके जो टोटल रुपए पड़े हैं उसका 25% जितने रुपए होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। 50% से बाय करना चाहते हो तो 50% पे क्लिक करोगे, या आप चाहते हो कि पर्टिकुलर किसी अमाउंट से 1,000 10,000 या 5,000 या 100 रुपये, जितने भी रुपए से आप बाय करना चाहते हो वो अमाउंट आप यहाँ पर डालोगे। मैं यहाँ पर डालता हूँ 100 रुपये। तो जितना भी टोकन हमारे लिए मिलेगा, यानी 76 रुपये 37 पैसे में हम बाय कर रहे हैं तो एक टोकन तो मिलेगा कितने का 76 रुपये का, और हमारे लिए मिल रहा है 1.3, यानी 100 रुपये में 1.3 टोकन हमारे लिए क्या मिलेंगे बजीरेक्स टोकन हमारे अकाउंट में मिलेंगे। अब हम करेंगे बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक।
यहाँ पर सबसे पहले डालनी होती है, मैं एक बार आपके लिए रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले डालनी होगी आपके लिए यहाँ पर प्राइस, किस प्राइस पर आप इसको बाय कर रहे हो। यहाँ पर वो दिखेगा कि जितनी अमाउंट आप यहाँ पर पे करोगे तो जितना भी टोकन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी जितना टोकन आप बाय करोगे, और यहाँ पर दिखेगा आपका क्या अमाउंट, कितने रुपए से आप इसको बाय कर रहे हो। अब हम बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर जैसे ही बाय के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आता है, आप यहाँ पर देखोगे आपके सामने आता है स्लाइड टू कंफर्म का, यानी अगर जैसे आप स्लाइड टू कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपने जो प्राइस डाली है, प्राइस कितनी डाली है हमने 76 रुपये 37 पैसे, और कितने रुपए हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 99 रुपये 28 पैसे। इतनी ये कम क्यों कर दिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे टोटल रुपए हैं 99 रुपये 28 पैसे, यहाँ पर हमने पर जबकि हमने कितने डाले थे 100 रुपये। तो आप यहाँ पर देखोगे कि फीस लगती है हमारी, जब भी हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं तो 0.2% हमारे लिए देनी पड़ती है मेकर फीस, और जब हम इसको सेल करेंगे तब भी हमारे लिए देनी पड़ती है 0.2% टैक्स के रूप में, जिसको मेकर फीस और टेकर फीस बोलते हैं, जो कि बजीरस खुद के पास रखता है। तो उस फीस को निकाल के इन्होंने क्या कर दिया 99.28 INR, हम इसको इतना ही रहने देते हैं और स्लाइड टू कन्फर्म भी करते हैं क्लिक। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आप जो आपके सामने आ रहा है माय का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करके देखोगे तो आपका यहाँ पर ऑर्डर दिखेगा। ये देखिए मेरा यहाँ पर आप देखोगे ऑर्डर दिख रहा है, ये मेरा USDT का ऑर्डर लगा हुआ है। हिस्ट्री में आएंगे हम तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमने 99.28 रुपये का यहाँ पर ऑर्डर लगाया था वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर बाय आ चुकी है। मैं इस पर क्लिक करके और दिखा देता हूँ आपके लिए, जो कि आपके लिए सारी ऑर्डर्स की डिटेल यहाँ पर शो होगी। ये देखो WRX अनियर बाय का बाय ऑर्डर लिया हमने, टाइप में आपको देखोगे यहाँ पर टाइप में है लिमिट, कितने फरवरी को प्लेस किया, कितने बजीरेक्स बाय किए, कितने रुपए का बाय किया आपने, एवरेज प्राइस किस प्राइस पे बाय किया, टोटल रुपए कितने दिए और हमारा टैक्स कितना लगा, आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हो। अब हम आते हैं अपने फंड वाले ऑप्शन पे, बैक आते हैं और हम क्लिक करेंगे फंड पर। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जितने रुपए का भी हमने क्या कर रखा है, बजीरेक्स को बाय कर रखा है, वो आपको यहाँ पर शो होगा। जिस भी टोकन को आप बाय करोगे या जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करोगे वो आपकी यहाँ पर शो होगी। ये तो हमने बाय किया और हमारे पोर्टफोलियो में यहाँ पर शो होने लगा। अब हम इसी को करते हैं सेल, ये तो हमने बाय किया, अब हम देखते हैं कि अगर हम सेल करना चाहते हैं, हमारा लॉस हुआ या हमारा प्रॉफिट हुआ, तो हम इसको सेल कैसे करेंगे। तो हम एक्सचेंज पर आते हैं और उसी जो हमने कॉइन की बाय किया था उसी कॉइन पर क्लिक करेंगे। ये हमारा हिस्ट्री के अंदर हम चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम फिर से चार्ट वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। अब हम हमारे लिए सेल करना है या बाय करना है तो हम उसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बाय एंड सेल पे। अभी हमने बाय किया था तो हमने बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था, अब हमारे लिए क्या करना है सेल, तो हम क्लिक करेंगे सेल वाले ऑप्शन पे। तो आप यहाँ पर देखोगे जो अभी ग्रीन था सारे ऑप्शन, अब वो यहाँ पर हो जाएंगे रेड। अब हमारे लिए बाय सेल कितने पे करना है, हमने बाय किया था 76.27 पैसे पे, 76 रुपये 37 पैसे पे। अब अभी जो इसकी प्रेजेंट प्राइस है 76 रुपये 52 पैसे हो चुकी है, तो हम इसको सेल करेंगे 76 रुपये 52 पैसे पे। सेल किया कितना, अब आप जितना बाय कर रखा है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब हम बाय करते हैं तब तो हमारे टोटल पोर्टफोलियो का परसेंटेज शो करता है, और जब अब आप सेल करते हो तो जो यहाँ पर जो परसेंटेज शो करता है वो इसका शो करता है कि जितना आपने इस कॉइन को बाय कर रखा है, यानी अगर हमने 10 कॉइन बाय किए होते हम 20% पे क्लिक करते तो 10 का जो 25% होगा वो आप यहाँ पर सेल करोगे। अगर आप 50% पे क्लिक करोगे तो जितने भी कॉइन आपने बाय कर रखे हैं, जैसे अगर आपने 10 कॉइन बाय किए होंगे तो यहाँ पर 5 कॉइन सेल होंगे, और आप 100% पे क्लिक करोगे तो जितने कॉइन को हमने बाय किया था हम उतने ही कॉइन को यहाँ पर सेल कर रहे हैं, और जिसकी यानी सेल करने पर जो करेंट प्राइस होगी या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वो आपकी प्राइस यहाँ पर शो होगी। और हम इसको करते हैं सेल पे क्लिक, आप यहाँ पर फिर से देखोगे स्लाइड टू कंफर्म का आपके सामने ऑप्शन दिखेगा, किस प्राइस पर सेल कर रहे हो, कितना आप टोकन सेल कर रहे हो और टोटल उसकी प्राइस कितनी है। और आप यहाँ पर देखोगे जब आप सेल करते हो तब भी आपके लिए 0.2% क्या देनी होती है फीस। हम करते हैं स्लाइड टू कंफर्म पे क्लिक और माय ऑर्डर वाले पे आते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे कि मेरा ऑर्डर यहाँ पर लगा हुआ है WRX, आप यहाँ से
देख सकते हो। अब जब भी 76.52 पे आएगी, क्योंकि 76.33 पर आ चुकी है इसकी प्राइस, जैसे ही 76.52 पे आएगी तो हमारा ये ऑर्डर हो जाएगा क्या, एग्जीक्यूट, और जो सेल ऑर्डर लगाया तो हमारा क्या WRX हो जाएगा, सेल। हम इसको इंस्टेंट सेल करते हैं, तो मैं इसको कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। कैंसिल एंड मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करके इसकी प्राइजेज में करते हैं हम थोड़ा सा चेंजेज, ताकि जो हमारा ऑर्डर है वो इंस्टेंट सेल हो जाए। 52 की जगह हम इसको करते हैं 41, और सेल टू स्लाइड टू कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। 41 किया, तब तक इसकी प्राइस और नीचे आ गई, 76.33। अब आप यहाँ पर देखो, 41 किया और हमारा ऑर्डर सेल के लिए क्या हो गया, कन्फर्म। आप यहाँ से देख सकते हो इस ऑर्डर कंप्लीट हो चुका, कितने में बाय किया, यानी कितने में सेल किया, कितने रुपए का सेल किया और कितना टोकन सेल किया। अब हम वापस आते हैं और फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देखेंगे, तो जो यहाँ पर शो कर रहा था कि हमने कितने का बाय किया है, अब वो हमारे पोर्टफोलियो में शो नहीं कर रहा। दोस्तों तो इस तरीके से आप BZX पर किसी भी बिटकॉइन या किसी भी अदर क्रिप्टो करेंसी को बाय या सेल कर सकते हो। और अगर आप BZX पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद।